हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे में और मज़े में होंगे। तो मैं आज आया हूँ एक कंपनी में। हम उधर देखेंगे हमारे उड़ीसा के मजदूर वहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे फैसिलिटी उनको मिलते हैं, क्यों वो लोग उड़ीसा छोड़ के यहाँ काम करने आते हैं। ये है साइदापुर, कर्नाटक का एक जिले का स्टेशन है। तो चलिए हम अभी जा रहे हैं कि कॉलोनी के पास में। तो उड़ीसा का लोग इसीलिए आते हैं यहाँ काम करने के लिए ताकि उन लोग को कुछ फ़ायदा मिलता है। महीने भर उनके घर में सही टाइम पे तनख्वाह मिल जाता है, उसके परिवार में खुश रहते हैं, जो कि उड़ीसा में इतना अच्छा काम नहीं मिलता है। यहाँ लोग 12 घंटा काम करते हैं लेकिन उड़ीसा में 8 घंटा करने से भी मना करते हैं, बाहर चला आते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उड़ीसा में इतना फैसिलिटी नहीं है। जो हमारा उधर नवीन पटनायक है ना, वो जब तक है तब तक उड़ीसा में कुछ कंपनी नहीं आएगा, ऐसे ही लोग बाहर जाएंगे। वो तो बोलते हैं कि जाओ बाहर जाओ, तुम्हारा घर में हम 2 रुपये का चावल देते हैं, उसको घर में खाओ और तुम जाके बाहर काम करो। यही तो उड़ीसा है नवीन पटनायक जी, क्या आपको बोलूं। हम अभी कॉलोनी के नज़दीक आ गए, देखेंगे अंदर जाएंगे और देखेंगे हमारा उड़ीसा का मजदूर इधर क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम और अंदर जाएंगे और पूरी सच्चाई जानेंगे कि यहाँ कितना खुश है हमारे उड़ीसा के मजदूरी। देखेंगे और पूछेंगे भी क्या हालत है यहाँ का। तो चलिए एक रूम पे हम जाएंगे। देखिए रूम पे मैं जा रहा हूँ, देखिए हमारा उड़ीसा का लोग यहाँ रहते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। देखिए अपने आप के काम में सब बिजी है, कोई सोया हुआ है, कोई मोबाइल देख रहा है। तो यहाँ का फैसिलिटी देखिए, 2 पंखे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। और ये उड़ीसा का मजदूर का ज़िंदगी है। अभी खाने का टाइम हो गया, 1:30 बज गया है। अभी देखिए खाना भी खुद नहीं बनाना पड़ता है भाई लोग, ये लोग खाना बना के देते हैं। देखिए कितना क्वांटिटी में बना हुआ है, चावल और करी, सब्जी है, भाजी है, और लोग ले के जा रहे हैं, आराम से बैठ के खाएंगे। तो ये देखिए ये लोग तो बीच में बैठ के ही खा गए पूरे, जिसको जिसका मर्जी जिधर खाना है खा सकता है। देखिए आगे जाएंगे और क्या फैसिलिटी इधर मिलता है मजदूर की फैसिलिटी। देखिए ये इधर कुछ टंकी बना हुआ है, पानी का टंकी बना हुआ है जिसमें पानी भरा जाता है, पाइप भी लगा हुआ है अंदर। देखिए यहाँ पे मजदूर लोग नहाएंगे और अपना बर्तन धोएंगे। और देखिए आगे मैं जा रहा हूँ, यहाँ लैट्रिन का भी फैसिलिटी मिलता है। देखिए ये 5-6 लैट्रिन इधर दिया हुआ है लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। देखिए यहाँ खाना भी वेस्ट नहीं होता है, खाना जितना भी बच जाता है ना, ये लोग प्यार से कुत्ते को खिलाते हैं। वही तो हमारे उड़ीसा लोग की दिल की बात है, जो कि किसी को भी देते हैं प्यार से देते हैं, और किसी से भी लेते हैं प्यार से लेते हैं भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो आगे हम जाएंगे और देखेंगे फिर क्या कर रहे हैं। देखिए अभी भी ये दोनों यहाँ बाहर बैठ के खा रहे हैं, तो सही बात है, जिसका ज़िंदगी जिसको अच्छा लगता है जिधर बैठ के खाना वो उधर ही बैठ के खा लेते हैं। देखिए हम रूम में गए तो रूम में भी कुछ लोग आराम से बैठ के खा रहे हैं,
अच्छा माहौल है और अच्छा ज़िंदगी है। मजदूर का ज़िंदगी जैसा होना चाहिए थोड़ा सा अच्छा है उड़ीसा से, तो मैं बोलता हूँ बेस्ट। एक लेबर को पूछेंगे, उड़ीसा में 8 घंटा काम ना करके यहाँ 12 घंटा क्यों काम करने आते हैं? हाँ, हमको सही तरीके से पैसा मिलता है, फैमिली में सब अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं हम, और घर में खुश हैं, इसीलिए हम उड़ीसा छोड़कर यहाँ काम करने आते हैं। और अच्छा भी लगता है कि महीने महीने भर पैसा हम लोग को मिल ही जाता है। ये उड़ीसा के मजदूर के लेबर कॉलोनी है, देखिए। तो फ्रेंड, आज के लिए उतना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए।